हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी आसान भी है। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। तो देखते हैं, स्टेटमेंट देखिए। इसने कहा कि अगर एफ जेड रेगुलर फंक्शन है और एफ डैश जेड कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पर, तो किसी क्लोज्ड कंटूर सी के लिए एफ जेड का जो इंटीग्रेशन है उसके अबाउट जीरो आएगा। कोई भी क्लोज्ड कर्व है तो उसके अबाउट एफ जेड का इंटीग्रेशन जीरो आएगा। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले इस स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं मार्क कर रहा हूं, वो अपने आगे काम आएगी। देखिए, लाइन है ये वाली। इसने कहा कि एफ डैश जेड कंटिन्यूस है। एफ डैश जेड कंटिन्यूस होने का मतलब होता है कि एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल है एट ईच पॉइंट। और अगर एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पर, इसका मतलब है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। और अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई सीआर इक्वेशंस, जिसका वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं, एनालिटिक फंक्शंस से कैसे निकालते हैं। अब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी तो सीआर इक्वेशंस होती क्या है? वो होती हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और एक और इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये दो इक्वेशंस हम लोग यूज ले सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके स्टेटमेंट में है कि एफ डैश जेड कंटिन्यूस है। एफ डैश जेड कंटिन्यूस है इसका मतलब एफ जेड डिफरेंशिएबल है। एफ जेड डिफरेंशिएबल है इसका मतलब एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो गया। एनालिटिक फंक्शन हमेशा सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सीआर इक्वेशंस ये दो हैं, तो इसकी हेल्प लेंगे हम लोग इसको प्रूव करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, देखिएगा। ये जो डिस्कस करी थी हमने वो सीआर इक्वेशंस मैंने यहां लिख दी हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको यूज ले लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड से, क्योंकि हमें इसी को जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां से स्टार्ट करके लास्ट तक इसको जीरो लेके आएंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि एफ ऑफ जेड क्या है। एफ ऑफ जेड है यू प्लस आयोटा वी फंक्शन। जेड क्या है? जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब डी जेड क्या हो जाएगा? डी जेड हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ये यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं। देखिए, तो ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन u प्लस आयोटा v इंटू में डी जेड मतलब डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब यहां पर आपस में मल्टीप्लाई कर लो इनको, u डी एक्स आयोटा वाला सेक्शन आयोटा u डी वाई प्लस में आयोटा वी डी एक्स, लास्ट वाले से होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, तो माइनस का वी डी वाई। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा सी के अबाउट। अब इसको आगे करने के लिए पहले रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। देखिए, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई ये अलग किया, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा कॉमन ले लो, और यहां पर प्लस में वी डी एक्स को तो अभी लिख रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में इसको सीधा करके लिख दूंगा, मतलब डी एक्स पहले लिख दूंगा इसी की तरह फॉर्मेट में लिखने के हिसाब से बस। तो इसको बस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, यू डी एक्स माइनस में वी डी वाई प्लस में आयोटा, ये हो गया वी डी एक्स प्लस में यू डी वाई। यहां इस तरह से लिखने से थोड़ा सा आगे कंफर्टेबल हो जाएगा अपने लिए, इसलिए लिखा है बस। अब इसके आगे कैसे करना है? इसके आगे तो कोई अपने पास वैल्यूज ही नहीं है जो अपन रख सके,
इसके आगे हम लोग करेंगे ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके। ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं उसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ी होगी वो हम लोग यहां पर यूज लेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या है उसका। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन सी पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई इक्वल होता है डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन में डेल वाई ये डी एक्स डी वाई। ये हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सी से एस में सरफेस इंटीग्रल में। देखिए किस तरह से करेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए डी एक्स के साथ वाले को पी बोलते हैं, डी वाई के साथ वाले को क्यू बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया क्यू विद साइन, ऐसे ये पी हो गया और इधर ये क्यू हो गया। तो यहां पर अगर लिखें कि P क्या है Q क्या है तो P है यहां पर U और Q है माइनस का V। और अगर इस डायरेक्शन में देखें इधर देखें तो P है यहां पर V और Q है यहां पर U। इनमें ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए तो यहां के आगे मैं इस तरफ कर रहा हूं, देखिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है तो आएगा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू मतलब ये रहा क्यू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया, बीच में माइनस साइन फॉर्मूले में ही है। डेल पी अपॉन डेल वाई निकालना है, ये रहा पी इसका वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया इसका वाई के रिस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया। यहां पर डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई इसका करेंगे, आयोटा बाहर है बाहर ही रहेगा वो, ये आयोटा बाहर। डबल इंटीग्रेशन ये P है ये Q है, तो सबसे पहले डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इसका X के रिस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई तो डेल वी अपॉन डेल वाई हो गया, डेल वी अपॉन डेल वाई ये डी एक्स ये डी वाई। अब फाइनली लास्ट में हम लोग यूज लेंगे सी आर इक्वेशंस को, क्योंकि उसी के फॉर्मेट में आ गया है सब कुछ। तो देखिए यहां पर ध्यान से, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल है डेल वी अपॉन डेल वाई के, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जीरो हो जाएगा ये। अगर दूसरी जगह देखें तो डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, ये डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये बनेगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल एक्स कट जाएगा डी एक्स डी वाई, और इस तरफ भी सेम आयोटा के साथ में डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये हो गया पूरा जीरो प्लस आयोटा के साथ में जीरो, कंप्लीट आंसर आ गया इसका जीरो। हमें यही प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड जो है वो जीरो के इक्वल होता है। हमने दो चीजों का यूज लिया, एक तो सी आर इक्वेशन का और एक ग्रीन्स थ्योरम का। किस तरह से कि सबसे पहले एफ जेड डी जेड में वैल्यूज रखी एफ जेड की फिर डी जेड की, यहां से आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, बेसिक कैलकुलेशन है यहां तक। तो इसके बाद ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करी, इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद सी आर इक्वेशन को अप्लाई किया और फाइनल आंसर जीरो आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई कॉशी इंटीग्रल थ्योरम को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।